मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज या हनुमान जयंतीच्या निमित्तानं आमचा हा कीर्तन विश्व परिवार आपल्यासाठी एक विशेष भेट घेऊन आली आहे। मारुतीची उपासना ही आपल्या सकल संकटांचा नाश करणारी आहे याची आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे। यासाठी भीमरूपी स्तोत्र, हनुमान चालीसा याचे पाठ अनेक लोक करत असतातच, पण याचबरोबर तितकंच प्रचंड शक्तिशाली असं एक पंचमुखी हनुमान कवच हे स्तोत्र आहे। या स्तोत्राचा पाठ जर नित्य आपल्या घरामध्ये झाला तर घरामध्ये जे जे म्हणून तणाव असतील, प्रकृतीच्या दृष्टीनं असतील, घरातल्या नातेसंबंधांच्या दृष्टीनं असतील, आर्थिक दृष्टीनं असतील, कोणतेही तणाव, हे तणाव अतिशय वेगाने निवळतात असा प्रभाव या पंचमुखी हनुमान कवच स्तोत्राचा आहे। हे स्तोत्र विशेषतः आता हा जो महामारीचा काळ चालू आहे आणि त्यामुळे घरामध्ये अनेक पद्धतीचे तणाव आपले आहेत, या सगळ्या तणावांचा निरास करण्यासाठी हे पंचमुखी हनुमान कवच एक विशेष भेट म्हणून आम्ही तुमच्यासाठी प्रस्तुत करत आहोत। निश्चितपणे रोज भीमरूपी आणि हनुमान चालीसाच्या बरोबरीनं याही स्तोत्राचा पाठ आपल्या घरात नित्य सगळ्यांनी श्रवण करा। महारुद्र हनुमान की जय। अथ श्री पंचमुख हनुमत कवचम श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमत कवच मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छंदः पंचमुख विराट हनुमान देवता ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकं क्रूं कवचं क्रैं अस्त्राय फट इति दिग्बंधः। श्री गरुड उवाच। अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांगसुंदर यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पंचवक्त्रं महाभीमं त्रिपंचनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वन्तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणं अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतं अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनं उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनं ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरम् जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पंचमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वांगं पाशमंकुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रीतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं पञ्चास्यमच्युततमेकविचित्रवर्णवक्त्रं
शशांक शिखरम कपिराजवर्यम पीतांबरादि मुगुटैरुपशोभितांगम पिंगाक्षमाद्य मनिषम मनसा स्मरामि मरकटेशम महोत्साहम सर्वशत्रुहरं परम शत्रुं संहर मां रक्ष श्रीमन्ना पदमुद्धर। ओम हरि मरकट मरकट मंत्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। ओम हरि मरकटाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनायोत्तरमुखायादिवराहाय सकलसंपत्कराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनायोर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशंकराय स्वाहा। ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमन्मंत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषि अनुष्ठुप छंदः पंचमुखवीर हनुमान देवता हनुमानिति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अंजनीसुत इति कीलकं श्रीरामदूत हनुमत प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः इति ऋष्यादिकं विन्यसेत्। ओम अंजनीसुताय अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ओम वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ओम अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः। ओम रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम पंचमुख हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यासः। ओम अंजनीसुताय हृदयाय नमः। ओम रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ओम वायुपुत्राय शिखायै वषट। ओम अग्निगर्भाय कवचाय हुम। ओम रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषट। ओम पंचमुख हनुमते अस्त्राय फट। पंचमुख हनुमते स्वाहा इति दिग्बंधः। अथ ध्यानम्। वंदे वानर नारसिंह खगराट क्रोड़ाश्रुववक्त्रान्वितं दिव्यालंकरणं त्रिपंचनयनं दैदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरसिकेटपुस्तकसुधा कुंभांकुशाद्रिं हलं खट्वांगं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहं इति ध्यानम्। अथ मंत्रः। ओम रामदूतायांजनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीता दुःख निवारणाय महाबलप्रचंडाय फाल्गुन सखाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्त समुद्र निर्लंघनाय पिंगलनयनायामित विक्रमाय सूर्यबिंब फल सेवनाय दुष्ट निवारणाय दृष्टि निरालंकृताय संजीवनी संजीवितांगद लक्ष्मण महाकपि सैन्य प्राणदाय दशकंठ विध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुन सखाय सीता सहित राम वरप्रदाय षट् प्रयोगागम पंचमुख वीर हनुमन मंत्र जपे विनियोगः। ओम हरि मरकट मरकटाय बम 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 वौषट् स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय फम 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 फट् स्वाहा।
ओम हरि मर्कट मर्कटाय खेम 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 मारणाय स्वाहा। ओम हरि मर्कट मर्कटाय लुम 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 आकर्षित सकल संपत्कराय स्वाहा। ओम हरि मर्कट मर्कटाय धम 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 शत्रुस्तंभनाय स्वाहा। ओम टम 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखवीर हनुमते परयंत्र परतंत्रोच्चाटन स्वाहा। ओम कं खं गं घं गं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं मं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं षं सं हं णं क्षं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ओम पूर्वकपिमुखाय पंचमुख हनुमते टं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। ओम दक्षिणमुखाय पंचमुख हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ओम पश्चिममुखाय गरुडाननाय पंचमुख हनुमते मम 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 सकलविषहराय स्वाहा। ओम उत्तरमुखायादिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकंठमूर्तये पंचमुख हनुमते स्वाहा। ओम ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुम 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 रुद्रमूर्तये सकल प्रयोजन निर्वाहकाय स्वाहा। ओम अंजनीसुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोक निवारणाय श्रीरामचंद्रकृपापाटुकाय महावीर्य प्रमथनाय ब्रह्मांडनाथाय कामदाय पंचमुखवीर हनुमते स्वाहा। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिन्यंतरिक्ष ग्रह परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। सकल प्रयोजन निर्वाहकाय पंचमुख वीर हनुमते श्रीरामचंद्र वर प्रसादाय जम 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसंपत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पंचवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशंकरं षट्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशंकरं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं अष्टवारं पठेन्नित्यं इष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। इति सुदर्शनसंहितायां श्रीरामचंद्रसीता प्रोक्तं श्रीपंचमुखहनुमत्कवचं संपूर्णम्।